हाँ नहीं नहीं ओके ओके। चैन दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है एक्चुअली 26 नवंबर का, जब हम सबका दिल्ली घूमने का प्लान बना। तो बेसिकली प्लान यू था कि हम पहले जाएंगे लोधी गार्डन, लोधी गार्डन से फिर निकलेंगे जूकले और फिर जाएंगे हम इंडिया गेट रात में। तो हमने पकड़ी 10-10 रुपये की रिक्शा और निकल गए मेट्रो स्टेशन मेट्रो पकड़ने। तो द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पहुँचते ही मेरे कार्ड को लग गए पैसों की भूख। उसको मैंने खिलाए जरा से पैसे और चला गया मेट्रो के अंदर। फिर हम उतरे जोरबाग और वहां से निकल गए पैदल लोधी गार्डन के लिए। तो हम पहुंचे लोधी गार्डन पे और लोधी गार्डन पे पहुंचते मैं सोचा मैं जरा सा सिनेमैटिक शूट कर लेता हूं, लेकिन तभी मैंने देखा कि तो अंदर जाते पहले हमें मिला एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर जो हमारे साथ खेलने के मूड में था। वो हमने जरा देर उसके साथ खेला और फिर हम निकल गए आगे। थोड़ी देर घूमने के बाद भैया ने हमें दिखाई जरा अपनी जिमनास्ट की शक्तियाँ। तो एक डेढ़ घंटा अंदर घूमने के बाद हम अपने डॉगेश को बाय बोल के निकल चले जू के लिए। पहुंचे जू और वहां पे अंदर जा ही रहे थे, लेकिन तभी हमने देखा वहां पे इतनी लंबी लाइन थी कि पूछो मत। लंबी लाइन तक भी ठीक था, लेकिन मैंने अंदर जाते ही अपने दोस्तों को 2 मिनट के लिए सिर्फ कैमरा दिया और उन्हें देखो ये क्या किया। हाँ क्या बोलते हैं सर इसको, नील गाय बोल रहे थे। नील गाय ब्लू ब्लू काओ। अरे आगे जाते हमें पहले एक तोता दिखा, फिर उसके बाद दूसरा दिखा, थोड़ी बाद तीसरे दिखे, उसके बाद चौथा दिखा, उसके बाद पांचवा दिखा। अरे बस कर भाई। तभी वहाँ पे एक बंदर खुले आम घूम रहा था, वो भी पूरे रस्तों में लोगों के बीच में। सच्ची बताओ तो जू में मेरे को बहुत बोर हुआ, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं। बाहर आते हमने देखा ये, इसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने लिया और खाने लग गए। तो हम सबको लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो हम रिक्शा पकड़े और निकल गए कैनॉट पैलेस के लिए। सो गाइस, पहले तो हम गए मैगडी बर्गर खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ से हमें बाहर आके जाना पड़ा दूसरी जगह कहीं पे खाने के लिए। मैगडी में तो बहुत भीड़ थी, लेकिन साइड में ही पिज़्ज़ा हट था जो खाली था, वो हम सोचे वहाँ पे चलते। वहाँ पे जाते हम सब ने पहले मंगाया मार्गरीटा पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा खाते हमने बजाई घंटी और बाहर आते हम निकल पड़े इंडिया गेट के लिए। सच्ची में इंडिया गेट की लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई थी। तो वहाँ पे जरा सा हमने व्लॉग बनाया और फोटो शूट करके निकल गए वापस घर के लिए। रूम पहुँचते मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपनी ड्राइंग बुक निकाली और थोड़ी बहुत ड्राइंग करना चालू किया। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग था और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, लेकिन पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल।